नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हरियाली तीज के साथ साथ जन्म दिवस को वृक्षारोपण कर मनाया। आज मथुरा वृंदावन सहित पूरे ब्रज में हरियाली तीज को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री बांके बिहारी मंदिर में हिंडोली पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान पर हरे भरे पेड़ लगाकर तथा हरी लाइटों से जगमगा रही श्री कृष्ण जन्मस्थान हरियाली तीज के साथ ही एंटी करप्शन मिशन की जिला सचिव सत्यवती चौधरी ने जन्मदिवस पर पारिजात गौशाला पालीखेड़ा पर फलदार पौधे लगाए, हरा भरा वातावरण रहे और बंजर भूमि को होने से बचाया जा सके। कार्यक्रम में मौजूद रहे संत श्री लोकेश सरस्वती जी महाराज, एंटी करप्शन मिशन से रघुवीर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिंह, जिला सचिव चौधरी जसवंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादून की रिपोर्ट। महाराज, जिस तरीके से वृक्षारोपण किया गया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया, यह विश्व जो है, विश्व का प्राण समझिए वृक्ष है, और हम जब वृक्षारोपण करते रहेंगे तो हमारे जो प्राणवायु है ना, वो स्थिर रहेगी। और आजकल जो बहुत सारे परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और जैसे सांस की बीमारी है, इत्यादि जो बीमारियां हैं, पर टीबी बीमारी होती थी, इन सब को सोखने की शक्ति करती है ये पेड़। हम लोग पेड़ लगाते रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा। जितना भी पेड़ लगेगा उतना ही रोग ख़त्म होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी। क्या नाम है आपका, क्या प्रोग्राम हुआ है? चौधरी सत्यवती, जिला सचिव एंटी करप्शन से, और ये आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ है। तो किस उपलक्ष्य में आपने वृक्षारोपण किया है? मेरे हस्बैंड का और मेरा, दोनों का आज का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा। कितने पौधे आपने लगाए हैं? बहुत सारे पौधे लगाए हैं, इनमें ज़्यादातर फलदार वृक्ष हैं। क्या नाम है आपका, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं चौधरी यशवंत सिंह हूँ, एंटी करप्शन मूवमेंट से, जिलावासी हूँ मथुरा से। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है, हमारी बहन सप्तपति जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ है जी। और इन्होंने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और जन्मदिन है, इसलिए उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ बार बार। भाई साहब, आज जो यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं, किस तरीके के वृक्ष लगाए गए हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं? यहाँ जो वृक्ष लगाए गए हैं, जामुन है, आम है, पपीता है, ऐसे आदि इत्यादि फल लगाए गए हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं आश्रम पे, तो उनका मन भी यही करता है इसी तरीके से कि जहाँ फल मिले। आश्रम में आए तो कुछ ऐसा लगता है बच्चों को कुछ खाने के लिए फल वगैरह मिले, और जहाँ फल का पौधा होगा तो वहाँ अच्छी भी चीज़ रहेगी, फल भी मिलेगा और सीरक भी मिलेगी, बच्चों को जो छाया बोलते हैं छाया भी मिलेगी, और प्रदूषण से भी हम नियंत्रण भी पाएंगे। क्या नाम है आपका, और आज ये वृक्षारोपण जो किया गया है इसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। मेरा नाम चौधरी सत्येंद्र कुमार है, मैं एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की तरफ से हूँ। आज जो हमने वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं, उनको हमारा दायित्व बनता है कि उनको हम अच्छे से देखभाल करें, उनकी देखभाल करके उनको अच्छे से स्वच्छ बनाएं, पानी दें, और उनको तो किस तरीके से देख रेख उनकी आप करते हैं? उनकी देख रेख के लिए हम दो तीन दिन में एक दिन आके उनको देखना है, अच्छे से पानी देना है, उनको कोई परेशानी सूख तो नहीं रहे, उनकी देखभाल करनी है हमें।